कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। मिलके अब हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों साथियों, आप सभी को रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पर स्वागत करते हैं। हमारे साथ जितने भी लोग आज जुड़े हैं आप सभी को प्यार भरा नमस्कार हमारी तरफ से और पंडित जी की तरफ से। हर शुक्रवार की तरह दोस्तों आज हम एपिसोड लेकर आए हैं रामायण कथा का एपिसोड 7 ऑफ 2021। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और जैसे कि आप सभी लोग हमारे हमारे इस एपिसोड को फॉलो कर रहे हैं और ज़रूर इसको शेयर कीजिए। अगर आप देखना चाहें यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया का यूट्यूब आपको सब्सक्राइब करना है या हिंदू कॉस्मोस ऑस्ट्रेलिया का। तहे दिल से हम अपने स्पॉन्सर को धन्यवाद देते हैं फ्लेवर्स ऑफ फिजी जो पाकली मार्केट में है। दोस्तों पाकली मार्केट गेट 5 की एंट्री है, वहाँ पर सभी तरह के हिंदुस्तानी जो हमारे इंडियन ग्रोसरी और साथ साथ में इंडियन फूड साथ साथ में हमारे जो फिजी का स्टाइल स्वीट्स वहाँ पर मिलता है। अगर आपको कैटरिंग भी कराना है भोजन किसी त्यौहार का तो ज़रूर उनको संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रॉल कर रहा है दोस्तों फिर स्क्रीन पर, नंबर है 04236993305 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं। तहे दिल से वंस अगेन आप सभी को स्वागत करते हैं। जबकि आज पर चाल चल रहा होगा रामकथा का, हम किसी का नाम हवाले नहीं लेंगे जैसे कि हर समय करते हैं। आप सभी को हम इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं और उम्मीद करेंगे आज ज़रूर आप इसको शेयर करेंगे। जैसे कि आज पहला भी दिन है नवरात्रि का जो गुप्त नवरात्रि है, और आप सभी को बहुत बहुत शुभ में हो आज का पहला दिन। और हम पंडित जी से आग्रह करेंगे इस प्रोग्राम को आगे लेकर चले। पंडित जी को भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं हर शुक्रवार को जैसे करते हैं। श्री शनि शंकर मोचन मंदिर से जुड़े हैं पंडित जी, अपने समय निकालकर इस प्रोग्राम को यहाँ लाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी अपना अमूल्य समय निकालने के लिए और हमारे श्रोताओं के लिए जो ये प्रोग्राम लेकर आते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से आपको हम स्वागत करते हैं। चलते हैं दोस्तों, ये जिंगल को हम यहाँ पर रोक देते हैं। पंडित जी से आग्रह करते हैं कि आज का प्रोग्राम आगे लेकर चलें। जी हाँ सारे श्रोताओं को जय सियाराम, और जहाँ जहाँ से भी आप जुड़े हैं देश विदेश से स्टेट इंटरस्टेट से, और आप सभी को आज का शुक्रवार का बेला में माघ महीना का शुक्ल पक्ष और पहला तिथि पर स्वागत कर रहे हैं। इस कारण से कि आज राम कथा फिर उठाएंगी, जहाँ पिछले सप्ते छोड़े थे वहाँ से आगे बढ़ाना है। उसके साक्षात में जो त्यौहार हमारे बीच में आज से शुरुआत हुई, त्यौहार क्या है, माघ महीना है और वर्ष में 4 बार नवरात्रि का महत्व दिया गया है। एक तो आप सभी को पता है रामनवमी के समय भी राम नवरात्रि कहा जाता है, अश्विन महीना पितृपक्ष के बाद में तो सप्ते को भी नवरात्रि माना जाता है, और इस महीने में बड़ी इसको गुप्त माना जाता है। बहुत कम लोग का महत्व इसको पता है और बहुत कम लोग इसके साथ जुड़े होते हैं, नवरात्रि को मानता देते हैं। लेकिन माघ महीना का शुक्ल पक्ष यानी उजेरा पक्ष जो आज से शुरुआत होता है, आज से लेकर के 9 दिन तक देवी का जो आज का प्रश्न है कि शैलपुत्री रूप से, शैलपुत्री यानी भगवान श्री शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए पार्वती ही है, लेकिन नाम बोलता है शैलपुत्री। शैलपुत्री इस कारण से कि शेरों के बीच में उठने बैठने वाली, और इस रूप से तपस्या करना शुरुआत करती है, और करते करते इतना समय तलिक इतना तपस्या में रहती है जब तलिक उसको सचमुच में भगवान शिव की कृपा ना प्राप्त हो जाए, देवताओं आकर एक एक दर्शन देने लगे। कठिन से कठिन तपस्या करने के लिए पार्वती जी निकली हैं, और जब निकलने की शुरुआत करते छोटी कन्या के रूप में ही नारद मुनि इसको बचपन में ही बता चुके थे कि तुम्हारी विवाह बड़ी कठिनाई से होने वाली और होगी, जिसके साथ में हुई संसार में वैसा कोई एक ही है,
ऐसा कोई ये नहीं कि तुम्हारे बारे जो लायक बनेंगे वो एक ही है और ऐसे बनने वाले के बाद में शिव जी को प्रसन्न कर पाएगी, लेकिन प्रथम दिन नवरात्रि का पूजनीय योग है कोई तो शैलपुत्री नाम का। तो आज उचिंग का प्रश्न है, लेकिन हम आपके बीच में राम कथा देने वाले हैं, थोड़े दो चार मंत्र सुनेंगे, भगवान गणेश जी का मंत्र, भगवान गणेश जी का भजन भी है हमारे पास में, और उसके सिवाय कुछ देवी का भजन भी है आपको बीच में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन पहले कुछ ध्यान मंद हमेशा की तरह श्री गणेश जी देवताओं को ध्यान करते हुए शशिपुंधरायेभ्यां नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यां नमः। ॐ इष्टदेवतायेभ्यो नमः। ॐ कुलदेवतायेभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। ॐ वास्तुदेवतायेभ्यो नमः। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ दशरथनन्दनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ॐ जनकनन्दनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ॐ दशरथनन्दनाय विद्महि उर्मिलाप्याय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ॐ अजनीगर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शन्नो मित्रा संवरणा शरणो भवतेर्मा शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्तवाय तमय प्रतिजं ब्रह्मायसि तमय प्रतिजं ब्रह्म वदेशामि नित्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि सर्वारोतु तत्त्वतारमोतु अवतु मां अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यशोदा हम सुनने जा रहे हैं भगवान राम का स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु आपके बीच में हम लोग सुनेंगे। हमेशा प्रोग्राम के शुरुआत में भगवान गणेश जी आदि देवताओं को स्तुति कुछ मंत्र ध्यान के प्रसाद हम लोग सुनते हैं राम जी के राम करण कृपालु। भगवान राम ऐसे कृपा करने वाले हैं, इधर हम लोग कल पिछले सप्ते सुने थे कि पूरे अवध्यावासी कितने लोग चुने चुने अपने विचार किए कि अवध छोड़ देंगे लेकिन राम को नहीं छोड़ेंगे, राम के साथ निकल गए और वन में चले गए। पिछले सप्ते हम लोग सुने थे वन में चले गए, भगवान जहाँ जहाँ रहे वहाँ रहे, लेकिन भगवान को भी आगे देखना है कि अवध्या में कितने दुख पड़ेगी इन लोगों को घर से अपना दूर रहना, पिताजी को कितने दुख पड़े, सभी के विषय में सोचने हुए भगवान राम के जैसा कृपालु कौन हो सकता है। तो राम जी की कृपा चाहना है तो रामचंद्र कृपालु, चाहे भजन रूप में आप इसको देखें, आरती के रूप में या साक्षात मंत्र के रूप में, श्री रामचंद्र कृपालु हम आप सब लोग मिलके गाते हैं और सुनते हैं इसको। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भाव है कारुण
भगवान राम की कृपा प्राप्ति करना है तो भगवान की स्तुति बड़ी सरल है। भगवान राम के 108 नाम हम लोग बाद में सुनेंगे आज प्रोग्राम के अंत में। भगवान राम को 108 नाम से उनका फूल, तुलसी दल, तुलसी पत्र, तुलसी मंजरी अर्पण कर सकते हैं और हर शुक्रवार हम लोग करते आए रामायण के वाहन एकत्रित होते हैं और वैसे ही हर शुक्रवार को यहाँ स्टूडियो पे हम लोग मंडप बनाते हैं, देवी देवताओं का आसन देते हैं, श्री गणेश, भगवान शिव, पार्वती सहित राम परिवार सहित और दीपक जला करके आरती आदि भोग धूप दीप अर्पण करते हैं। अगर आपका आप घर पर हैं और कुछ तैयारी कर सकते हैं भगवान के पूजन के लिए अपने वेदी पर, अपने पूजा के स्थान पर, मंदिर में, तो जरूर करिए। सुमिरन में देवी सारी देवताओं को स्तुति जो कर किया जाता है, इनको बुलाया जाता है कि हमारे पूजन में आकर भाग लें। और ऐसे ही आप घर पर भी कुछ फूल आदि अर्पण करना है, धूप दीप है, चंदन है, अभिषेक जल से पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अंतिम में आरती रहेगी, अंतिम में 108 नामों वाली भी रहेगी और इधर एक एक वस्तु यहाँ अर्पण करके फिर भगवान को भोग अर्पण करेंगे, भगवान को प्रसाद अर्पण करके फिर मूल पाठ रामायण पर चले जाएंगे। आए हम सब मिल करके सुमिरन का पाठ श्रद्धा और भाव से सभी लोग मिल करके गाए और घर पर कुछ पूजा पाठ करने के लिए साधन है, फूल पाती आदि है, धूप दीप है, तो जरूर तैयारी कर लीजिए और इसमें यहाँ स्टूडियो से हम लोग गाएंगे और आप श्रवण करिए। जहि सुमिरत सिधाओ एकल नायक कलिवर बलरा करहु अनुग्रासो गुरु राश सुमगुन सदना सुतहु ये वाचाल पाहु
दास कृपा सुरनार दबाबु सकल करी मल नीला सरोर उरुण अरुण बारी करु सबुर सदा चीर सागर सयना कुमार मन करुणायन जानवीन पर करु कृपा पर सगर सगो मल मंग दो चरहित दूषण सहित बताओ चारहु वेद को बारित मोहित सरिस जिनहि न सफल उपेद वरन करबु कर विशद जनु बताओ विपद रे लुभो सागर जिनगी प्रेम जही राम परिशरत दीन दयाल दिन यो परिहर परलो पावन कुमार कलवन पावन ज्ञान धना जासुर दे आगार बसहि राम शर चाप धरा प्रबुद गुरु चरणा बांध कहो कर जो होए प्रसन्न पुरवहु सकला मज मनोरथ मो जिराया हृदय चल बीच समा कहियत भंजन बंद सीता राम पदा इन परम प्रिय याहि समय सुनीरन करो सुनो वीर हनुमान आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सब रस गंधित सुमन ले सुमन सुभाति पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो श्रीकार सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय भवन सुंदर हनुमान की जय रामायण महाग्रंथ की जय सनातन विश्व धर्म की जय बोलो भाई सब संतन की जय मांग मांग हरी भाय मोरे भगवान आ
जी हाँ श्रोता, हर एक व्यक्ति को, हर एक भक्त को, हर एक हिंदू धर्म का यही लक्ष्य होता है कि आप जरूर हर दिन प्रतिदिन भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करें। हर दिन प्रतिदिन आदत डालिए, कम से कम एक वस्तु खाने वाले जरूर डालें। अगर जो आपका घर पर भोजन का शुद्धता नहीं बन रही है कि हर दिन प्रतिदिन नहीं अर्पण, तो कम से कम एक फल जरूर अर्पण करें भगवान को। हर दिन कुछ भगवान को अर्पण करके खाने से भगवान हमारे शरीर में रोग आदि दूर रखते हैं, और भक्ति और भक्ति का एक नाता तुम्हारे साथ में और भगवान के साथ में जुड़ जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आएगी कि हर दिन प्रतिदिन आदत आएगी, आ ही जाएगी कि सोचेंगे कि हर दिन भगवान को क्यों ना कुछ कर पाती। कृष्ण के गीता में रामायण का के साथ में जुड़े हुए भक्ति भक्तजन यही किया जाता है कि वैष्णव के धर्म तो यही होती है कि हर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ भगवान को अर्पण करें। और हर शुक्रवार यहाँ स्टूडियो के माध्यम से हम लोग अर्पण करते हैं भगवान को महाभोग। और इसके साथ में अब हम चलेंगे, चालीसा का पाठ सुनेंगे। हनुमान चालीसा पाठ सभी को आता है और चालीसा सभी को जानना चाहिए, जानने योग है, क्योंकि इसके द्वारा हमारे जीवन में कितनी आपत्ति दूर होती है। राम का भक्ति दिखाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, तो हनुमान जी से अच्छा और कोई उपाय हो सकता? भगवान हनुमान जी जब खुशी हो जाते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में आ गई, तो फिर राह खुल जाती है उनका हमारे जीवन में, वो आ जाते हैं, फिर राह खुल जाती है कि राम की भक्ति सजल से सहज से प्राप्ति हो जाएगी। हनुमान चालीसा आप सभी के बीच में श्रद्धा और भाव से सभी लोग इसको श्रवण करें और गाएं हमारे साथ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि, बुधहीन तनु जानि के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या ते मोहि हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दुख नयन बल धामा, बजरंगी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमकली मार सुमत के शंकर, कंचन वरन विराज सुवेशा, गगन भूदल कुंचित केशा, हत भज हर धज विराज, कंधे मूंग जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, रामनाज दरिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, शुष्क रूप धरि सिया विधि गावा, मृत रूप धरि रंग जरावा, रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीव नगन जियाए, चिर गोविंद हर्ष उलाए, रघुपति गिरि बहुत बनाई, तुम पिय भरत समवाई, सस बदन तुम रोज से गावे, कस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक पाल जहाँ से, कवि कोवि
पे कही सके कहां से, तुम उपकार सुनी वही गीता, राग बिलाए राज पद गीता, तुमरो मन विभीषण माता, लंकेश्वर है सब जग जाना, जिन सहस्र जोजन पर भानु, विलोता ही मधुर पल जानु, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख मानी, जल्दि लांग जय रच रच नाही, रखन काज जगत के देते, सुख अनुदास मेरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, उत नया रुपये सारे, सब सुब रहे तुम्हारी शरणा, तुम रचक काबू को डरना, आपन तेज समारो बापे, तीनों लोक हाथ से कावे, भूत विषाद निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, दासे लोक हरे सब पीरा, जगत निरंतर हनुमत गीरा, संकट से हनुमान चुरावे, बलकम वचन नवन जोरावे, सब पर राम तपस्वी राजा, काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सुई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, मैं प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, वस्त्र निकंदन राम दुलारे, हस सीता दाता, हसवर गीत जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, कत काल रघुबर पुर जाई, चाह जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता शुद्ध नाल रही, हरमत से विसरब सुख करही, संकट कटे मिटे सब बीता, जो सुमिरे हनुमत बल दीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शर्मार बात कर कोई, जुटई मंदिर महासुख होई, जो या पर हनुमान चालीसा, होने सीति सागी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि रे राम, इहे नाथ हृदय तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरूप, सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रोताओं आइए आज का अयोध्या कांड की कथा और रामचरितमानस है हमारे सामने। पिछले वर्ष नवरात्रि यानी रामनवमी के बाद में हम लोग शुरुआत किए, रामनवमी में लेकर के पूरे 9 दिन रामनवमी की कथा आपके बीच में प्रस्तुत किया गया इस स्टूडियो से। यहाँ इस साधन से हमारे बीच में बनी है, हर शुक्रवार हम आपके बीच में कथा लेकर के लिए आ जाते हैं। आशा ये रखते हैं कि जो एक एक चौपाई को अर्थ और दोहाओं को अर्थ हम लोग के पास कहाँ फुर्सत रही थी कि पूरे के पूरे रामायण का भी श्रवण कर सके, लेकिन जैसे भी हो शुक्रवार की अवसर प्राप्त हो जाती कि सभा ये कथाओं को आपके बीच में हम प्रस्तुत करें। आज हम लोग उठा रहे हैं दोहा से, जहाँ शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर हेतु।
भगवान राम के साथ में जितने अवधवासी आए थे, आशा लेकर भरोसा लेकर कि राम के साथ में रहेंगे पूरे 14 वर्ष, भगवान उन सभी को छोड़ करके सुमंत से राजा दशरथ को जो सबसे प्रिय मंत्री और अपने लघु भ्राता लक्ष्मण को लेकर भगवान राम अर्धांगनी सीता जी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं वन में जा रहे, घोर वन में जा रहे हैं। भगवान नहीं चाहते कि उनके कारण सब अवधवासियों को रहने का व्यवस्था कैसे होगी, सब अवधवासियों को भोजन नाश्ता के लिए क्या तैयारी हो पाएगी, कब हो पाएगी, कैसे हो पाएगी, ये सब दुख भगवान समझते हैं और इस कारण से अवधवासियों को पीछे छोड़ देते हैं। अवधवासी सोचते हैं कि उनके साथ में शायद धोखा हो, भगवान क्यों छोड़ कर चल जाते हैं, लेकिन भगवान को एक एक कदम पर, एक एक कर्म पर भगवान जो भी कुछ करते, कुछ ना कुछ छुपा हुआ कारण होते हैं जो हम दुख पड़ती है तो उसको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन दुख जब निकल जाती है तो सोचते हैं कि हाँ ठीक था, ऐसा दुख प्राप्त हुआ तो हमें समझ में आ गई कि इस कारण से ऐसी परिस्थिति आई। चलो आज गुप्त नवरात्रि है और नव देवी का, शैलपुत्री नाम का आज है, भगवान शिव का अर्धांगनी पार्वती कन्या रूप में थी, शिशु रूप में थी, बालिका थी और तपस्या शुरू कर देती भगवान शिव को पाने के लिए। वही शिव भगवान पार्वती कोई कथा सुनाते सुनाते रामायण हमारे और आपके बीच में छोड़े हैं और यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि भगवान त्रिकुण सहित माया तीत मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंस रूप सूर्य कुल की ध्वज भगवान रामचंद्र जी मनुष्य ऐसा चरित्र करे कि संसार समुद्र पार उतरने के लिए पुलक समान हो जाते। यहाँ पर बता रहे कि सुनिए, यशो दिगोहि निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई लिए फल मूल भेंट भरी भारा मिलन चले वही हर्ष अपारा। कौन नहीं चाहते कि भगवान हमारे घर आए। यहाँ पर सूचना मिल गई कि भगवान हमारे गांव में पधारने वाले हैं तो कौन आगे बढ़ रहे हैं, निषाद राज। सोचिए कि भगवान हमारे घर के करीब आ गए, ये बहाना हमारे उसको स्वागत होगी हमारे घर पर, जिसके नाम बचपन से लेकर के राम राम पूजन हो रही थी आज वो हमारे घर के सामने आ गए। आनंदित होकर के भाई बंधुओं को बुला करके भेंट देने लिए और फल मूल कंद लेकर उन्होंने भारो बहरिया बहगिरिया में भर करके मिलने के लिए चले। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं, कोई हर्ष का सीमा नहीं, इतने खुशहाली है निषाद राज को जा रहे मिलने के लिए भगवान राम को जो गांव के पास करीब आ गए। भगवान अगर राजमहल में रुक जाते और बाहर नहीं निकलते, अयोध्या से बाहर नहीं आते तो ये सब लोगों का दर्शन नहीं हो पाती, इन लोगों को भलाई नहीं हो पाती, इन सबको भी मिलना था भगवान 14 वर्ष में तो आए हैं, तो ये काम का क्या करना। करी दंडवत भेंट धरी आगे प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे असहज सने विवस रघुराई पूछे कुशल निकट बैठाई और नाथ कुशल पद पंकज देखे भयो भाग भाजन जन लेके देव धरन धनु धाम तुम्हारा मैं जनु नीच सहित परिवारा कृपा करई पुर धार्य पाई था पई जनु सब लोक सियाओ कहो सत्य सब सखा सुजाना मोहि दीन पितुआई सुनाना। इसके अर्थ है कि दंडवट करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगे, रघुनाथ जी को स्वाभाविक स्नेह वश हो करके वह अपने पास बैठा करके कुशल पूछे। पता है सभी को कि दुख में है भगवान राम, सबको समाज में सभी को ऐसा लगता है कि भगवान राम दुख में होंगे, कि वन में आए हैं तो दुखी होंगे, राजमहल में सुख जिसको रहने की आदत हो उसको बाहर निकलना पड़े तो कितने दुख है। तो हमारे और आप जैसे लोगों को ऐसा ही लगेगा कि इस व्यक्ति को भी, भगवान राम को भी, लक्ष्मण और सीता जी को भी दुख हुआ होगा कि वो वन में भटक रहे हैं, लेकिन राम को ऐसा नहीं लग रहा। राम ऐसे कहते हैं कि एक दिन प्रतिदिन हमें और अवसर मिलती है कुछ और करने के लिए, राज करना, राजा रहना तो पूरे जीवन बचे हैं, लेकिन ये 14 वर्ष जो अपने सामने मिली हैं, इस 14 वर्ष में क्या क्या करने वाले हैं भगवान सुनिए। निषाद राज ने उत्तर, भगवान ने जब एक दूसरे से भेंट होती है निषाद और भगवान राम से, रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह वश होकर उसे अपने पास बैठा करके कुशल पूछा। बहुत कम लोग आपसे भी कभी इतने लोग मिलेंगे, बहुत कम लोगों को आप कहोगे कि आओ मेरे पास बैठे। भगवान राम निषाद को बुला करके अपने पास बैठा रहे,
जिसका अपना भरोसा है, जिसके साथ में अपना लेन देन है, जिसके अपना 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 सब जोगे, उसी को कहोगे कि बेटे आओ यहाँ बैठो, भाई आओ के यहाँ बैठो। तो राम निषाद को इशारा करते कि आइए मेरे पास बैठिए, संबंध बना रहे, संबंध बना है, भगवान पहचानते हैं कौन भक्त कैसे। निषाद राज ने उत्तर दिया कि हे नाथ, आपके चरण कमल में दर्शन ही कुशल है। निषाद राज क्या करें, बैठने को भगवान कह रहे कि मेरे पास से तो आकर बैठे हो, और बता रहे कि मेरे पास आकर बैठो, लेकिन यहाँ बता रहे कि नहीं, आपका दर्शन दूर से, आपका दर्शन पैर का, चरण का आपका दर्शन हो रहा, ये बड़ी लाभदायक मेरे लिए। तो ये बात यहाँ पर हो रही कि सुनिए कि यह निषाद राज उत्तर दिया कि आपके दर्शन आपका है, हे देव, ये पृथ्वी, धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपको नीच सेवक हूँ। कितनी बड़ी बात कह दी निषाद जी। निषाद राज क्या करें कि ये मेरे घर द्वार, मेरे परिवार, मेरे कुटुंब जितने हैं सब आपका सेवक है, बस आप आज्ञा करिए, बस आप आज्ञा करिए कि क्या करना है। यहाँ पर बता रहे कि निषाद जी ने उत्तर दिया कि भगवान पुरुषों में गिनती में आया है, भाग्यवान पुरुषों में, आप कृपा करके पूर्व सिंगवेरपुर में पधारिए और उसके प्रतिष्ठा पथ बढ़ाइए, जिस पर लोग मेरे भाग्य बढ़ाई। माने रामचंद्र जी का ने सुजान सुखो, तुमने जो कहा है सत्य है, परंतु पिताजी मुझे कुछ भी आज्ञा दी है उसको भी तो सुनना है। तो निषाद राज उसको निवेदन कर रहे हैं भगवान राम को कि सीता सहित, लक्ष्मण सहित हमारे यहाँ आइए। कहाँ आइए, बता रहे कि सिंगवेरपुर मेरे गांव में आइए, यहाँ पधारिए। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि पिताजी की आज्ञा तो और कुछ है, वन में रहना, किसी गाँव में प्रवेश करके, किसी कुटिया में, किसी महल में, किसी के घर में जाकर नहीं रहना, लेकिन वन में रहना। वन का अर्थ होता है कि वनवासी जैसे रहना, जिसका कोई ठिकाना नहीं, आज कुछ मिलेगा या नहीं, कल कहाँ रहना हो कुछ भी ठिकाना नहीं। और ऐसा ही भगवान राम का पूरे 14 वर्ष बीतने वाले हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि परंतु मुझे आने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन परंतु एक कारण यहाँ पर है। कारण क्या है कि सुनिए, तुमने जो कहा है सच, परंतु पिताजी ने मुझे मुझको और ही आज्ञा दी है। वो आज्ञा क्या है सुनिए, बरस चादिरस बासु बने मुनि व्रत वेश हारो। बरस 14 मुझे क्या करना है, वन वासु, वन में रह करके वन में वास करना, और मुनि व्रत, मुनि की तरह रहना, ऋषि मुनियों की तरह, और फिर क्या, वेश आहारु, मुनि लोग जो जैसे आहार करते हैं, भोजन करते हैं, वैसे मुझे खाना है। तो वन में रहना है, ऋषि मुनियों की तरह रहना है, और फिर क्या करना है, यहाँ बता रहे कि मुझे आहार भी ऐसा करना, भोजन भी ऐसा करना। सुनिए आगे, ग्रामवासी नहीं उचित सुनी, गुहे भय दुख भार, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसका अर्थ क्या हुआ कि योग आहार करते हुए वन में ही बसना है, गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। भगवान राम निषाद राज से कह रहे हैं, राम जी का आदेश कैसे, राजा दशरथ से तो अपने मुख खोले ही नहीं, बोले ही नहीं कहाँ जाना कहाँ नहीं, लेकिन केकई जब बोल रही थी तो दशरथ ने कभी मना नहीं किया कि जो कह रहे ऐसा नहीं है। तो मौन रह करके जो कभी कुछ हमारे आसपास में हो रही है, अगर हम मौन रह करके उसको रोक नहीं रहे, जो भी व्यक्ति कुछ बोल रहे हैं, इसके मतलब ये हुआ कि हम राजी है, जो व्यक्ति कह रहा है उसमें हम अग्री हैं, यानी कि राजी है। तो केके ही जो उन्होंने कहा और राजा दशरथ कुछ भी नहीं उसके उत्तर दिए, तो बात यही होगी सुनिए कि गांव के भीतर निवास नहीं करना, किसी के घर में जाकर निवास नहीं करना, वन में रहना, वनवास की तरह वनवास में रहना। और फिर आगे मुनि व्रत, मुनि ऋषियों मुनि की तरह व्रत धारण करना, और फिर क्या करना, आहार भी भोजन भी ऐसे करना। तो ऐसे बातें निषाद राज को कौन दे रहे, भगवान राम बता रहे। आगे भी सुनते हैं, राम लखन सिय रूप निहारी, कहो स प्रेम ग्राम नर नारी, हे पितु मात कहो सिख गए सख कैसे, जिन पठे वन बालक ऐसे, एक कलई भल भूपति की ना, लोयन लाहु हमई विदली दीना, तव निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना, ले रघुनाथ ही ठाऊ देखावा, कहो राम
कहो राम सब भांति सुहाना। अपूर जन करी जोहार घर आए रघुबर संध्या करन सिदाय। गोसवारी साथ री रसाई कुश कुशल है मृदु लसुआई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी दौना भरी भरी राख्यो पानी। यहाँ बता रही राम लखन सिया रूप निहारी। राम लखन को सारे रूप को निहार रहे कौन निहार रहे सुनिए। श्री रामचंद्र लक्ष्मण और सीता जी को रूप देख करके गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करने लगे। क्या चर्चा करते सुनिए कि हे सखी कहो मैं माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसा सुंदर सुकुमार बालकों वन में। फिर वही बात आ गई कि आन लोगों को समझ में रहा है कि राम लक्ष्मण सीता जी को कोई दुख है वन में आया, लेकिन राम जी को कभी भी ऐसा अनुभव नहीं हो कि वन में आने से उनका कोई दुख हो रहा। उनको यही लग रहा कि मुझे तपस्या करने के लिए कुछ दिन अकेले रहने के लिए कुछ दिन राजमहल की जिम्मेवारियों से अलग रहने के एक अवसर मिल रही है 14 वर्ष। रामचंद्र जी का सीता जी का लक्ष्मण का रूप गांव का लोग सब देख रहे हैं। ये ऐसा लोग ऐसे कोमल लोग देखने में लोग ये तो राजमहल में रहना चाहिए ऐसे वन में भटक रहे हैं ठीक नहीं। कैसे कैसे माँ पिताजी हैं कि इन लोगों को वन में भेज दिए ऐसे निषाद राज के गाँव का लोग सोच रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि राजा ने अच्छा है ही किया इसके बहाने हमारे दर्शन तो हो गए। राम लक्ष्मण जैसे हमने कहा कि कुछ भी हमारे जीवन में आपत्ति आती तो हम झट से सोचते कहीं कहीं हमसे भगवान रूठ गए और कहाँ ऐसी गलती होगी कि जो भगवान हमसे रूठ गए। तो ये बताने की अर्थ यहाँ पर है भगवान। अब लोग कह रहे हैं कि ठीक हुआ एक लोगों को अयोध्या से निकाला गया नहीं निकलते तो हम लोग को कहाँ कभी दर्शन हो पाती राम लक्ष्मण सीता को। तो इसी बहाने हम भी ब्रह्मा जी ब्रह्मा ने भी नेत्र लाभ दिया है और निषाद राज ने हृदय अनुमान किया तो अशोक के पेड़ के उनसे टहरने के लिए मनोहर समझा। भगवान ने समझा कहा कि एक अशोक वृक्ष है वहां पर जाकर ठहरेंगे पेड़ के नीचे और भगवान ने मना कर दिया मैं गांव के अंदर नहीं प्रवेश करूंगा। और दूसरे गाँव के अंदर जब नहीं जाए तो किसी के मकान में भी नहीं जाएंगे रहेंगे कहाँ एक अशोक वृक्ष के नीचे। निषाद रात का गांव का बात है। अभी भगवान राम को आने वन में 4 दिन ही हुआ है अयोध्या छोड़ने 4 दिन ही हुआ। हे ले रघुनाथ ही ठाओ देखावा कहो राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी हे जोहारु घर आए रघुबर संध्या करन सिधाए। गुह सवारी साथ रिह निसाई कुश कुशल है मैं मृदुल सुहाई। सुधि फल मूल मधुर मृदु जानी दोना भरी भरी राखे सुपानी। इसका अर्थ यह हुआ कि उसने रघुनाथ जी को लेकर के उस स्थान दिखाया। रामचंद्र ने देखा कि यहाँ इस प्रकार से इस वृक्ष के नीचे हम रात रुक सकते हैं और पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करने के लिए अपने अपने घर लौटे। रामचंद्र की संध्या करने को पधारे। शाम सुबह और शाम दोनों समय हमारे शास्त्रों में नियम है कि पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ हमेशा दोनों संध्या सुबह का भी शाम का भी सूर्य के साथ में सूर्य अस्त के और सूर्य उदय ये दोनों के समय पूजा पाठ करना ही करना चाहिए हम लोगों को। इस समय दोनों सूर्य उठ रहा है और सूर्य ढक रहा है दोनों समय हम लोगों को पूजा दोनों संध्या कहा जाता। कितने लोग 3 बार करते कोई 5 बार करते जितना ज़्यादा हो सके तो करना लेकिन दोनों समय करना किसी से सीखना है तो या भगवान राम से सीखना है। रघुबर संध्या करण सिधाए। शाम हो गई भगवान चले गए संध्या अपने पाठ करने के लिए सभी गाँव को लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। और फिर आगे क्या होती गुह सवारी साथहरी दसाई। गुह ने कहा कि इस बीच में कुश और कोमल पत्तों का कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दिया। कुश लाए कुशा को बिछाए। ये कुशा जो है घास है हम लोग तो सोचते हैं साधारण घास है लेकिन ये घास ऐसा साधारण है भी नहीं क्योंकि भगवान ने चुना। ये हमारे शास्त्र में हमेशा इस पे बात होती है कि भगवान राम 14 वर्ष तलिक कुशा को बिछा करके 14 वर्ष तलिक सोए। कुशा का महत्व तो पहले से ज़्यादा था इसी कारण से भगवान कुशा को बिछा कर सोए अथवा भगवान को इस कुशा पर सोने के बाद ये इनका महत्व तो बढ़ गया। कोमल कोमल पत्ते निषाद राज पत्ते नरम नरम ला के कि ऐसे भगवान को जमीन तो कड़े ना पड़े
जमीन पर भगवान ऐसे कैसे कच्चे सो जाएंगे, जमीन पर बहुत सारे पत्ते बिछाते हैं। इसी बीच कुश और कोमल पत्तों को कोमल और सुंदर साथरी सजा कर बिछा दिया और पवित्र मीठे और कोमल देख देख करके दोनों भर भर करके फल और फूल और पानी रख दिए अथवा अपने हाथ में से फूल फल दोनों भर भर करके रख दिए। जब जरूरत से ज़्यादा फूल और फल आ गई, सभी को पता है कि भगवान मर्यादा पे चलने वाले, शाम को भी पूजन करेंगे, सुबह भी किए, और भोजन के जगह पर फल आई, भगवान कहे कि मैं भोजन तो नहीं करूँगा, मुझे फल ही रहना है 14 वर्ष। और फिर बताएं कि सीता जी, सुमंद्र जी और भाई लक्ष्मण कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि रामचंद्र जी को लेट गए। भाई लक्ष्मण जी ने उनको पैर दबाने लगे। ये हुआ जो अभी तक हम बताए, सयन किए रघुवंश मणि पाए पलोट तरवाई। यह लक्ष्मण की विषय में कथा कैसे आती है हम चौपाई में सुनते आगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहो सचिव सोवत मृदुवानी, कछुक दूर सजीवान सरासन, जागन लगे बैठ विरासन, गुह बोलाई पाहुरी प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आप लखन पहीं बैठ यो जाई, कठी भाति सर चाप चढ़ाई, सोवत प्रभुई निहारी निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु, तन पुलकित जल लोचन वही, बचन स प्रेम लखन सन कई। इसका अर्थ हुआ, फिर प्रभु रामचंद्र जी सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंद्र जी सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण रख करके, बाण से सज करके वीरासन से बैठ करके जांगने पहरा देने लगे। लक्ष्मण जी को आदेश है सुमित्रा मैया से, उनका माँ सुमित्रा से जब पूछने को गए लक्ष्मण कि माँ मुझे प्रभु राम के साथ में बन जाना है, तो सुमित्रा ने एक क्षण के लिए भी मना नहीं किए, कुछ बात भी नहीं बतलाए कि ऐसा मत करिए, सीधे सीधे कहे बेटे आपका तो जन्म ही हुआ राम के साथ रहने का, आप ही को तो जन्म हुआ राम को सेवा करने के लिए, आपको तो जाना है लेकिन राम को अच्छी तरह से देख रेख करना। और उसी बात को लक्ष्मण लेकर के चल रहे हैं, 14 वर्ष तक ये लक्ष्मण सोएंगे नहीं। राम भगवान सोए हैं, सीता जी सोए हैं, निषाद जी आराम किए हैं, लेकिन लक्ष्मण के विषय में क्या कहता है, वीर आसन बना करके, ऐसे हमेशा हनुमान जी बैठते हैं, ऐसा वीर आसन बना करके हनुमान क्षमा करना, यहाँ पर बता रहे कि लक्ष्मण पूरे रात जागे हैं। और गुह बुलाई पहुरी प्रतीति, गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर से तरकस बांध करके तथा धनुष बाण चढ़ा कर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सभी लोग जा जा करके लक्ष्मण के पास बैठते हैं। सीता और राम के विषय में कथा चल जा। प्रभु को जमीन पर सोते हुए देख कर प्रेम व निषाद हृदय में विषाद हो गया, उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल्द और प्रेम सहित लक्ष्मण को वचन कहने लगे। गांव का मुखिया निषाद राज जब देखा कि प्रभु साथ साथ जगतनाथ भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, विष्णु सृष्टि को चलाने वाले आज जमीन पर सो रहे हैं, लेकिन यही अपने पिताजी का वचन निभा रहे, बस इतने बात के कारण अपने माँ को बताया हुआ आदेश को पालन करें, पिताजी को वचन निभा रहे कि तुमको वनवासी के जैसा रहना, तो 14 वर्ष भगवान ऐसे ही सोएंगे जैसे यहाँ पर फोड़ करके तुलसीदास जी अयोध्या कांड में बताए हैं, लत्ते पते बिछा है उसके ऊपर कुशा है और उस पे ही भगवान 14 वर्ष सोएंगे। यहाँ पर देख करके निषाद राज बड़ा दुखित होते हैं कि ऐसा भी होता कहीं प्रभु का ऐसा दशा होता है कि जब साक्षात भगवान ही है आज हमारे जीवन में ऐसा। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन नपट तर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे, सुचि सुभिचित्र सुभागमय, सुमन सुगंध सुभास पलंग मांजु मणि दीप जहां, सब विधि सकल सुभास सियावर राम चंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ पर बात आती है, महाराज दशरथ को महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी इसका समानता नहीं आए, उसमें सुंदर मनियों के रचे हुए चुबारे भी हैं और जिन्हें
मानो रति के पति कामदेव को हाथ सजा रखे, जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पात्र से पूर्ण फूलों से सुगंध संविदित है, वह सुंदर पलंग और मनियो दीपक है तथा सब प्रकार के पूरा आराम है। यहाँ पर निषाद राज सोच रहे कि राजा दशरथ का महल में क्या कमी है, उनके महल में जितना सुख है, जितना स्वभाव में, जितना देखे में सुंदरता है, उतना उसके आगे तो इंद्र देवता का भी राजपाट कुछ भी नहीं, इंद्र देवता के भी राजपाट कुछ नहीं इनके आगे। लेकिन फिर भी आज उतने बड़े घर का, कुल का बड़े ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी आज वन में अपना पिताजी की बात मान करके चल रहे हैं। आगे सुनते, विविध वसन उपधान तुराई चिर फैन मृदु विशद रघु सुहाई, तहसी राम सयन निस करई निजे छवि रति मनोज मृद हरई, ते सी राम साथ रि सोए श्रीमती वसन बीन जहि न जोए, मात पिता परिजन पुरवासी सखा सुचिल दास अरुदासी, जोग वही जि नहीं प्राण की नाई, मही सोवत ते राम गोसाई, पिता जनक जग विदित सुप्रु प्रभाओ, ससुर सुरेश सखा रघुरायो, राम चंद्र पति सो वै देही, सोहत मही विधि वाम न केही, सिय रघुवीर की कानन जोगो, करम प्रधान सत्य सब कहलागो, के कई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल बन दीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन, सियावर राम चंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ पे कथा आ गई है, ओढ़े बिछाने उनके अनेक वस्त्र तकिए और गद्दे जो दूध के फेने से समान कोमल है, निर्मल है, उज्जवल है और सुंदर है, वहाँ पर चौबरों से श्री सीता और रामचंद्र जी को रात को सोया करते थे और अभी शोभा में रति कामदेव गर्व कारण है। वहाँ को लोग देखने लगे, तकिया हुआ, कमर हुआ, रजाई हुआ, चादर हुआ, ये सब अयोध्या में कहाँ कमी थी। लेकिन एक क्षण में सब कुछ कैसे बदल गया कि ये सब सुख छोड़ करके आज वन में है हमारे बीच में। वही श्री सीता और राम आज घास फूस पर सो रहे हैं, सूखी घास पर, पत्ते पर, कुशा पर बिछा करके सो रहे हैं। असात्री थके हुए बिना वस्त्र के ही किस सोए हैं और ऐसा दशा में देखकर नहीं जानते कि माता पिता कुटुंब पुरवासी प्रजा मित्र और बता रहे कि हे कि ये सब अच्छे शील स्वभाव वाले दास और दासियां हैं, लेकिन फिर भी आज वन में राम सब जिनके अपने प्राणों की तरह सार संहार करते हैं, वहां प्रभु रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे। सभी को बार बार यही दुख सबसे बड़ा पड़ रहा, सब लौट के तो गए अपने महल में, लेकिन जब पता लगा कि प्रभु किसी के चादर नहीं लिए है, किसी के तकिया नहीं लिए, किसी का रजाई नहीं लिए, अकेले ही जमीन पर सो रहे, पत्ते हाथ घास फूस बिछा करके, सबको इतने बड़े अपार दुख पड़े। और पति रामचंद्र जी के हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर भी सो रही है, जो जमीन से धरती से पैदा हुई देवी सीता, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, लक्ष्मी के पास क्या नहीं, लक्ष्मी तो दूसरे को देती है, लेकिन आज स्वयं लक्ष्मी अपने ही धरती पर सो रही है। लक्ष्मी जी अपने ही धरती पर सो रही है तो बताने के अर्थ क्या है कि ऐसा कभी हो सकता है कि कैसे विधाता बदल के, जो सृष्टि के चढ़ाने वाले और सभी के घर पर भंडार बनने वाले, आज दोनों जमीन पर सोए। केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी कुटिलता से जिस रघुनंदन रामचंद्र जी की और जानकी जी को सुख समय दुख दिया है, सब लोग बाद में यही हो रही कि कुटिल विचार का थी केकई, केकई का एक विचार से पूरा अवध का दशा बदल गई। ये निषाद राज के विचार है, ये निषाद राज के गांव को श्रृंगेरपुर में सभी लोग का विचार धीरे धीरे बन रही कि केकई के वचन पर ही ये सब हुआ है। और बताने की जानकी और राम जी का सुख आते आते छिना गया, आते आते छिना गया, राम और सीता को सुख मिलते मिलते नहीं मिली, वन में चले गए। तो ये बातें को यहाँ पर तुलसीदास जी कैसे दोहराने सुने,
आगे हम चौपाइयों में गाएंगे, फिर आपको सुने। भय दिन पर दिन कर कुल विटप कुठारी, कुमत कीन सब विष दुखारी, भयो विषाद निषाद ही भारी, राम सिए मही शयन निहार। बोल लखन माधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंद मंदा, हित अनहित हित अनहित मध्यम ब्रह्म वंदा, जन्म हूँ मरम जा लगी जग जाऊ, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालु, धरणि धाम धनु सुर पुर परिवारु, सरग नरक कहाँ लगी पे हारु, देखहु सुनहि गुनहि मन बाही, मोह मूल परमारत नाही, सपने हो ये भिखारी निपु रंक नाग पति होए, ए जांगे लाभ नहानि कहूँ तिमि प्रपंच जिए जो, ये सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बात आ रही कि सुनिए, वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई है। सूर्य कुल भगवान राम का कुल को कहा जाता है सूर्य वंश, सूर्य का कुल, जिस कुल में जिस देवता का पूजन ज्यादा होती तो उसी का मानता। तो यहाँ पे देखते सूर्य वंश से भगवान राम जन्म है, सूर्य वंश में ही राम जन्म है, तो सूर्य का देवता महान माने जाते। कहते कि सूर्य के वंश में आज एक कुल्हाड़ी की तरह कौन खड़ी है, की गई। उस कुबुद्धि संपूर्ण विश्व को दुखी है, रामचंद्र जी सीता जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद राज बड़े दुख हुआ। निषाद राज कह रहा कि आज मेरा जीवन का सबसे बड़ा दुख है, आज तक मैंने ऐसा दुख नहीं दिया नहीं देखे कि मेरे प्रभु जमीन पर सोए, पूरे रात सोए और अपने अर्धांगनी लक्ष्मी को साक्षात लेकर, लक्ष्मी का अवतार है सीता, उनको ले करके जमीन पर पूरे रात सोए। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोलते, क्या हे भाई, कोई किसी को दुख और सुख देने वाला नहीं है। यही तो गीता कहती है बार बार, कोई किसी को दुख नहीं देते हैं, कोई किसी को सुख भी नहीं देते, ये सब अपना ही कर्म है। और यहाँ बता रहे कि संयोग मिलना वियोग बिछुड़ना, भले बुरे भोग शत्रु मित्र उदासीन, ये सभी ब्रह्मंद फंदे हैं। हमारे जीवन में जितने दुख आते हैं तो हमारे ही किए न कभी कर्मों के कारण दुख है। हमारे जीवन में सुख अचानक में आ गई या चलते ही रहा है, जीवन पर एकदम सुख है तो भी समझना कभी ना कभी, चाहे इस जन्म चाहे किसी जन्म से, वो हमारे पुण्य कर्म काम कर रही है। और तो बताती है, वहाँ काल जहाँ तक जगत में जंजाल है, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचार आने वाले, ये सब मूल अज्ञान के है, परमात ही नहीं है। लक्ष्मण समझा रहे निषाद राज, कि आप ऐसा मत समझिए कि ये सब किसी ने किसी को दुख दिया, वास्तव में हम दुख स्वयं अपने पैदा करते हैं अपने ही कर्मों से। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं, ये कह रहे हैं कौन, लक्ष्मण। काहू न को सुख दुख कर दाता, न कोई किसी को सुख देने वाला, न कोई किसी को दुख देने वाला। हमारे ही प्रारब्ध यानी हमारे ही भाग, हमारे ही फेट के द्वारा हमको सुख आती है, हमारे ही भाग्य और फेट के द्वारा आती है हमारे बीच में दुख। लक्ष्मण आज समझा रहे हैं निषाद राज को, जिसके गांव में सबसे प्रथम भगवान राम पधारे हैं 14 वर्ष के अवधि में जो आए हैं। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता और कंगाल स्वर्ग स्वामी इंद्र हो जाता, तो जागने पर उसको लगता है सब दुख था ही नहीं, वैसे ही दृश्य प्रपंच हृदय से देखना चाहिए कि एक क्षण में सपने में हम क्या सपना में देखते कि हम कितने महान हो गए, सपने में कोई देखते हम कितने नीचे गिर गए, वास्तव में सपना ही था। जैसे ही सपने समाप्त हुआ तो पता लगता है कि ये सब तो सपना था, सच्चाई तो और कुछ है, सच्चाई तो जो सोमाए हैं जो वह है वही है। तो यहाँ वैसे लक्ष्मण समझा रहे कि सुनिए, आगे चुपाई में सुने। अस विचारी नहीं कि जय रोसु, काहू बादी न देवऊ दोसु, मोकि निसा सब सो निहारा, देखहु सपन अनेक प्रकारा।
यही जग जामिनी जा गई जोगी, परमारती प्रपंच भी होगी। जान्यो तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हो ये विवेक मोहि भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारत ये हूँ, मन कर्म वचन राम पद ने हूँ। निषाद रात के गांव में भगवान राम अपने अर्धांगनी सीता और छोटे भैया लक्ष्मण के साथ विराजे हैं। वहां का दशा, वहां का लोग देख करके अपने आप की सोचते कि जीवन में इतने बड़े दुख हमने नहीं देखे, कि ऐसा विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी व्यर्थ दोष भी देना चाहिए। लक्ष्मण बता रहे हैं क्रोध में नहीं आना चाहिए कि राम ऐसे दुखी रूप में सो रहे हैं। राम को कोई दुख और सुख नहीं असर करती, और किसी को दोष भी नहीं देना चाहिए, बदनाम भी किसी ने करने कि उनके कारण ऐसा हुआ। यह राम के विषय में, सीता जी के विषय में लक्ष्मण समझा रहे निषाद राज को। तो जागने पर यह बता रहे कि तो सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं, और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार का स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं और परमार्थी प्रपंच माया से चलते हैं होते हैं। जगत में जीव का जागा हुआ तभी जानना चाहता है जो संपूर्ण भोग विलास का, और विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम लगता है। अज्ञान मोश रघुनाथ जी का चरणों में प्रेम होता है। सखा मन वचन और कर्म से रामचंद्र जी के चरण में प्रेम लगाओ, यही सर्वश्रेष्ठ परमात पुरुषार्थ है। तो लक्ष्मण यहाँ समझा रहे हैं निषाद राज जी को, ये सब बातें छोड़ दो कि कौन भगवान राम क्या दुख सहेंगे 14 वर्ष, क्या उसका जीवन में सुख और क्या सुख लिखा हुआ दुख लिखा हुआ, इसके बात पे आप छोड़ दीजिए। ये प्रपंच है, किस पे ध्यान रखिए, ध्यान रखिए भगवान में भक्ति लगाइए। कैसे करना है, रघुनाथ जी का चरणों में प्रेम करो। जितने समय आपको मिला है राम आपके सामने हैं, उतने समय तक आप भगवान में लीन हो जाइए, भगवान को श्रद्धा भक्ति से पूजे। यहाँ बता रहे कि मन कर्म वचन से राम पद हुई, गीता भी यही कहती है, राम भी यही, राम रामायण भी यही कह रही है। तीन रूप से हम अच्छे कर्म, तीन रूप से हम बुरे कर्म करते, मन कर्म और साक्षात में वचन। तो मन से जो हम सोचते हैं अच्छे ही सोचे, और जो करते हैं अच्छे ही करें, और जो बोलते हैं सो अच्छे ही बोलें। तीनों तरह के हम अपने ध्यान रखेंगे। राम राम के छोटे भाई लक्ष्मण आज समझा रहे हैं निषाद राज को, उन्हीं के गांव के पास ये लोग ठहरे हुए हैं। राम ब्रह्म परमारत रूपा, अविगत अलक अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत वेदा, कही नित नेत निरुपई वेदा। भगत भूमि भुसुर सुर भी, सुरहित लांगे कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनहि मिटत जग राज सियावर राम। चंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचंद्र परमात्म स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है, अवगत जानने के आने वाले। अलग सृष्टि से अनादि अनुपम उपमा रहित, और बताते हैं सब विकारों से रहित ये भेद शून्य है वेद, जिनका नित्य नेति नेति रूप कहते हैं। लक्ष्मण जी समझा रहे कि भैया निषाद राज ये बात सोचिए, भगवान राम को कुछ कर्म नहीं दबा पाती है, भगवान को कभी किसी कर्म करने में दुख ना लगता है ना कभी सुख लगता है। वही कृपालु रामचंद्र जी, हम लोग आते हैं ना रामचंद्र कृपालु, तो बता रहे हैं यहाँ क्या, भगत भूमि वसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल। तो क्या होता है कि वही कृपाल रामचंद्र जी भक्ति भगत भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण किए। तो हमेशा हम लोग जन्म में जन्म राम जन्म के समय गाते हैं भाई प्रगट कृपाला, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो किसके लिए, गाय के लिए, ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए भगवान धरती पर आते हैं। तो भगवान जब आए हैं चार लोगों को रक्षा के लिए, तो भगवान को जो करना पड़ा सो कर रहे हैं। ये बातें लक्ष्मण धीरे धीरे निषाद राशियों निषाद राज को और जितने भी गाँव के लोग आज इकट्ठा होकर के आकर बैठे हैं राम जी जहाँ पर सो रहे हैं, वो सब जगह सब समझा रहे कि देखिए कृपालु रामचंद्र जी अपने भक्तों के लिए, धरती माता के लिए, गौ के लिए और ब्राह्मणों के लिए ही अवतार लिए है। और जो भी उसको कठिनाई आपको लगे कि उसको कठिन सह रहे हैं, कठिनाई सह रहे हैं, तो वैसे सह करके ही अपना जीवन जिएंगे।
और इसमें कोई मनुष्य धारी धारण किए हैं जिनके सुनने से जगत में जंजाल मिट जाती है। इतना बात विचार कर लिए भगवान को कभी दुख और सुख असर नहीं करती है। और भगवान जीता है कि सुनिए मासा रूप पंद्रवा विश्वा बोलो रामचंद्र भगवान की जय। यह हम छोटे से एक भजन का सहारा लेंगे, सही देवी का भजन सुन रहे थे, नवरात्रि को बेला चल रही है, शैलपुत्री माता के जय जयकार है, उनके ही आज शुभ त्यौहार का प्रथम दिवस है और उसको हम सुनते हैं। आगे फिर हम सुनाएंगे आपको आज का अंतिम अयोध्या कांड की कुछ सत्संग, पहले एक देवी भजन आपके बीच में। सज के चलीना भवानी सज के चलीना गुरुवाद सुहा है
माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए, आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिवस है, पहला रात्रि है, और माँ शैलपुत्री जो भगवान शिव का अर्धांगनी पार्वती बचपन पर भगवान शिव को पाने के लिए उपाय करते करते ऐसा नाम पाई, उनका पूजन आज गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी को माँ की दश महाविज्ञाएँ प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा है। इस समय जितने भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं विशेष करके ध्यान रखिए, गुप्त रखना बड़ी आवश्यक है। कुछ व्रत नेम पूजा आराधना आप कर रहे हैं तो गुप्त रखिए, ये गुप्त कार्य नहीं पता कब जीवन में कब काम आ जाए। गुप्त नवरात्रि में किया जाने वाले अनुष्ठान पूजा का बड़ी लाभ होती है, और सिद्धियों के पीछे भागने के लिए सिद्धि नहीं आती है, अपनी भक्ति पूजा आराधना करने से सिद्धियाँ आ जाती हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा जाने वाले में देवी माता दुर्गा जी तो अभिमत ही है, एक एक दिन नवरात्रि का पूजन का अलग अलग है, लेकिन विशेष करके ये माताएं जिसके पूजन हमेशा नहीं होती है इस समय बड़ी मान्यता दिया जाता है कि नवरात्रि में इस पूजन का। पहला है माँ काली का, इनका पूजन इस गुप्त नवरात्रि में बड़ी महत्व दिया गया। तारा देवी की कथा हम लोग पढ़ते कब है, तारा देवी कथा उस समय आती है जब नवरात्रि रखा जाता है, और नवरात्रि का पूरे क्षमा करना जागरण रखा जाता है पूरी रात, वो जो सुबह तले कोई जागरण रखे, सुबह सुबह सूर्य उदय से डेढ़ घंटे पहले तो तारावती की कथा पढ़ा जाता, और फिर सूर्य उदय पर हवन विधि या तो फिर आरती आदि करते। एक है त्रिपुर सुंदरी नाम का देवी, उनका भी ना उद्गुप्त नवरात्रि पूजन बड़ी महान माना जाता। एक है भुवनेश्वरी देवी, हम लोग पाठ चालीसा में अर्थ सुनते हैं भुवनेश्वरी देवी, और दूसरा है छिन्नमस्ता माता। त्रिपुर भैरी तीनों लोक में रहने वाली भैरवी, भैरव बाबा के साथ में जुड़ी, और बताया जाता है कि माँ धूमावती का पूजन भी गुप्त नवरात्रि बड़ी माँ जा। माँ बगलामुखी जो जीवन में शत्रु ना परेशान करे, बगलामुखी भी पूजन इस गुप्त नवरात्रि में बड़ी महत्व दिया जाता। माँ तंगी माता और कमला देवी, ये सारे देवियाँ जो हमारे बीच में है, ये सारी देवियाँ जो हमारे बीच में इस गुप्त नवरात्रि में पूजन पाठ से बड़ी लाभदायक होती है। सदा आगे हम सुना रहे हैं रामायण का आज अयोध्या कांड है, अंतिम दोहा में हम पहुँच रहे हैं, आज का विषंग लेकर के आ रही सखा समुजी अस परिहर मोहू सिया रघुबर रघुवीर चनरत रोहू कहत राम गुण भा भिनु सारा जागे जग मंगल सुख कारा। कहीं ना किसका अर्थ है कि सखा सुनो ऐसा समझ मोह कर त्याग कर सीता राम जी के चरण में प्रेम करो। लक्ष्मण आज समझा रहे निषाद राज को, पूरे रात इनमें जागरण हो गई लक्ष्मण और निषाद राज के, भगवान राम सोए हैं लेकिन राम और निषाद राज के बीच में गांव के मुखिया लोग सब रात बैठे बैठे ऐसे ही रात निकाल दिए निषाद राज के गाँव के पास। गाँव में बैठे बैठे पूरे बात निकल गई कि भगवान राम के चरण में ध्यान लगाओ, क्या वो कर रहे हैं उसमें ध्यान लगाओ, भगवान के चरण की ध्यान लगा दे, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए उपाय खोजो, ऐसा मत सोचो कि हम रामचंद्र जी के चरण में प्रेम करो। इस प्रकार से रामचंद्र के गुण कहते कहते सवेरा हो गई, पूरे रात बैठे ही रह गए लक्ष्मण और निषाद राम। आगे क्या आता है, सकल सोच करी राम नहावा, राम भगवान उठे हैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सूर्य उदय से डेढ़ घंटे पहले, उठ करके जाकर स्नान आदि करके भगवान अपने दूसरे संध्या में लग जाते। सुबह सुबह उठ करके भगवान के आदत थी कि सूर्य उठने से पहले ही भगवान जागते हैं, और देखिए सुमंत्र नयन जलधारी, भगवान एक एक समान एक जल से दूध से लेकर के कैसे कैसे अपने जटा को बांधते हैं। सुमंत को देख करके आँख में आंसू आएगी कि यही अवध राज का बेटा है, अयोध्या का राजा है, भविष्य में यही राजा बनने वाले आज कैसे वन में रह रहे। उसे दूध सिर पर जटाएं बनाते हैं और याद देकर सुमंद्र के आंख में आंसू आ गए कि राम तो राजा होना चाहिए, राम को अवध में राजा भी होना चाहिए, लेकिन आज हमारे साथ वन में है, 14 दिन बीत गई। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया, वे हाथ जोड़ करके अत्यंत दीन वचन बोले कि नाथ मुझे कौशल नाथ दशरथ जी की ऐसा आज्ञा दी कि तुम रथ लेकर रामचंद्र जी के साथ जाओ। और यहाँ बता रहे कि सुनिए कि इसके कह रहे कौन, यहाँ पर कह रहे हैं कि
सुमंत्र जो भगवान राम जिसको काका मानते हैं, राजा दशरथ जिसको छोटे भाई की तरह मानते हैं, राजा दशरथ जिसको अपने सबसे प्रिय मंत्री सेक्रेटरी मानते हैं, उसको भेजे है राम के साथ में कुछ दिन ले जाना राम को यहाँ वहाँ ठहरा करके बनकर जो घोरपना दिखा करके फिर वापस ले आना। निषाद राज को जब सुमंत को जब देखते देखते सहन नहीं हो पाया कि कैसे दुख भगवान सह रहे हैं वन में, अभी तो चार दिन ही निकले, तो राम से कह चुके कि राम तुम्हारे पिताजी ने मुझे कहा था कि जाओ थोड़े दिन ठहरा करके वापस ले आना। आते हैं निपस अस कहो गोसाई जस कहो करो बलिसोए, और करी विनती पायहु परहु दीन बाल जिमिरोए। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रामायण महाग्रंथ की जय। आर्य की दीन वन दिखाकर गंगा स्नान करा करके भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सुमंत को रहा न गया तो सुमंत ने ऐसे राम जी से कह दिए और वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोलते हैं कि अब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता फिरा लाना, ऐसा सुमंत कहते हैं। महाराज ने ऐसा कहा था कि अब प्रभु जैसा कहे मैं वैसा करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार से विनती करे रामचंद्र जी चरणों में गिर गए, उनको बाल की तरह की दे दिया। आस्तलिक तो सुमंत्र को भगवान राम ज्यादा मानते थे, बड़े मानते थे, उनको प्रणाम करते थे, लेकिन आज सुमंत्र इनके पैर पर गिर जाते, बोलने लगे कि जैसे आप आज्ञा करें वैसे हम करेंगे। राजा दशरथ तो ऐसे बतलाए थे कि हमको ऐसे करना है आपके साथ, लक्ष्मण और सीता जी को सहित आपको वन में ठहरा करके थोड़े ही दिन में वापस ले आना, लेकिन आप जैसे कहें वैसे करना, तो कैसे होता है ये अगले सप्ते में आपके बीच में लेंगे। हम 108 नामों वाली पे चलेंगे, भगवान राम का 108 नाम सुनेंगे। आप अगर जो घर पर कुछ साधन है अर्पण करने के लिए ओम, तो उसको भगवान को अर्पण करें, सबसे उत्तम तो तुलसी पत्र है। अगर जो नहीं है आज, तो अगले सप्ते का जरूर प्रबंध बनाइए, उस पे आप भगवान को ओम राम रामाय नमः ऐसे कह करके अर्पण करते रहिए। और तुलसी पत्र नहीं तो तुलसी मंजरी बिया भी डाल सकते हैं उसको बीज, ये भी नहीं है तो आपके पास पीला फूल हो अर्पण कर सकते हैं। अन्य कुछ भी नहीं तो ओम मनी मन ओम राम रामाय नमः कहते रहिए और इसको भगवान को अर्पण करते रहिए। यही बहाने आपका आज के लिए राम का 108 नामावली भी हो जाएंगी, और उसके बाद में आरती है, आरती भी के पश्चात हम सुनेंगे रुद्राष्टक और शांति पाठ। चलते ओम श्री राम रामाय नमः, ओम श्री राम भद्राय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री शाश्वताय नमः, ओम श्री राजीव लोचनाय नमः, ओम श्री रघुपुंगवाय नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम श्री राजेंद्राय नमः, ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः, ओम चैत्राय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम जितामित्राय नमः, ओम विश्वामित्र प्रियाय नमः, ओम दांताय नमः, ओम शरणातत्पराय नमः, ओम बाली प्रमथनाय नमः, ओम वागिवने नमः, ओम सत्यवाचे नमः, ओम सत्यविक्रमाय नमः, ओम सत्यवर्ताय नमः, ओम सदा हनुमद्श्रिताय नमः, ओम कौशल्यै नमः, ओम खरदवंसने नमः, ओम विरादवत पंडिताय नमः, ओम विभीषण पवित्रतात्रे नमः, ओम हरखंडत खंडनाय नमः, ओम सप्तताल प्रभवित्रे नमः, ओम जामदगन हरप्रदलाय नमः, ओम ताटकांतकाय नमः, ओम वेदाससराय नमः, ओम वेदात्मने नमः, ओम विश्वामित्र प्रियाय नमः, ओम श्री पुण्य चरित कीर्तनाय नमः, ओम तिल्लो रक्षकाय नमः, ओम धाविने नमः, ओम दंडह कार्तकर्णाय नमः,
ओम अहिल्या शाप विमोचकाय नमः, ओम पितृभक्ताय नमः, ओम वरप्रदाय नमः, ओम जितेन्द्रिये नमः, ओम जितक्रोधाय नमः, ओम जितमित्राय नमः, ओम जगद्गुरुवे नमः, ओम ऋच्छवारसंघातिने नमः, ओम चित्रकूटः समाशित्राशाय नमः, ओम जयंत्रात वरदाय नमः, ओम सुमित्रा पुत्र सेविताय नमः, ओम सर्वदेवादि देवाय नमः, ओम मित्र वानर जीवनाय नमः, ओम माया मरीच मंत्रे नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महाभुजाय नमः, ओम सर्वदेव स्तुताय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम मुनि संसुताय नमः, ओम महायोगिने नमः, ओम सर्वपुण्यधिकफलाय नमः, ओम सिमृत स्वर्गाननाय नमः, ओम आदिपुरुषाय नमः, ओम परमपुरुषाय नमः, ओम दयासराय नमः, ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, ओम सिमितवक्त्राय नमः, ओम मितभाषिने नमः, ओम पूर्वभाषिने नमः, ओम धीरोदक्त गुणक्तमाय नमः, ओम माया मनुष्य चरित्राय नमः, ओम महादेवादिदेव पूजिताय नमः, ओम सेतुकृते नमः, ओम जितवारेश्वरे नमः, ओम सर्वतीर्थमय नमः, ओम श्री श्यामंगाय नमः, ओम सुंदराय नमः, ओम धनुधराय नमः, ओम सर्वयगाधिपाय नमः, ओम याजिनमे नमः, ओम शिवलिंग प्रथास्थित्रे नमः, ओम जरामरण वर्जिताय नमः, ओम सर्वपुण्य चरितगृह ओम सर्वपुण्य वर्जिताय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम परब्रह्मने नमः, ओम परधाने नमः, ओम पराकाशाय नमः, ओम परात्पराय नमः, ओम परेशाय नमः, ओम पार्गाय नमः, ओम पाराय नमः, ओम सर्वदेव यत्कमाय नमः, ओम परस्मे नमः, ओम श्री राम रमेति रामे मनोरमे सहस्राम तत्तुल्यम राम नाम वर्णाने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गंगा सप्तते मोचदायका ओम राम रामाय नमः। एक श्लोक में पूरे रामायण सुनने का लाभ। आदो राम तपवन अधिगम नाम हत्वा मेघ कंचाननम वेदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषम बाली निग्रहारणम समुद्र तरणम लंकापुरी दानम पंचाद रावण कुंभकर्ण हरण यति श्री रामायण ओम राम रामाय नमः। आइए भगवान राम का रामायण ग्रंथ की आरती करेंगे आप सबके बीच में। घर पर अगर जो आप साधन बनाए हैं रामायण की आरती करने के लिए तो जरूर करिए वहाँ पर, अन्यथा यहाँ से श्रवण करिए। मन में यह रखिए कि हमारे पास किसी भी समय पर आरती उपलब्ध रही किसी शुक्रवार को, तो हम जरूर आरती ऐसे करेंगे। रामायण ग्रंथ की आरती आप सबको बीच में। भारत श्री रामायण जी रथ कलित ललित शिव जी भारत श्री रामायण जी रथ कलित ललित शिव जी I'm
के बीच में हर दिन प्रतिदिन हम लोग को आरती करने की आदत डाली। आरती पूजा का आखिरी में हमेशा लिया जाता है। कारण ये होती है कि भगवान से क्षमा याचना किसके साथ में जुड़ी होती और उसके साक्षात में भगवान के गुणों हमारे जीवन में, भगवान के जितने गुण हैं हमारे जीवन में आए ताकि हमारी बुरी आदतें दूर जाए और अच्छे अच्छे स्वभाव हमारे जीवन में परिवर्तन हो। ये सब विचार लेकर के हम लोग रुद्राष्टक पाठ करेंगे। शिव जी से क्षमा मांगने के क्या उपाय है रुद्राष्टक। रुद्राष्टक भी ऐसा पाठ है जिसको हर दिन प्रतिदिन हम लोग करते हैं, तो जो भी देवताओं से जो भी गलती होती है और सबके सब क्षमा करने वाले देवादिदेव महादेव हैं जिनके सहारा हम ले लेंगे। नमामि शमीशान का पाठ के साथ जिताकाश महाकाश वासं भजे हम निराकार ओंकार मूलं गिरिहं गिरा ज्ञान गोदित नीशं गिरीशं करालं महाकाल कालकपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् चलत गुरुशालम प्रसन्न सर्वनाथं भजामि प्रचण्ड प्रकाशं पगलं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रिशूलनिर्मूलशूलमपानिं भजेऽहं भवानी अतिभवगम् सचिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संतो मोह पहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभुपन्नतारी नयावत मानाद पादारविंद भजिते लोके परे वानरम नताव सुखम शांति संतानाशम प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं तन्मे भूतं न तोऽहं सदा सर्वनाशं योग्यं जरा जन्म दुःखपातमानं प्रभु पाहि अहं नामीशं ओम रुद्रा समितं प्रोक्तं विष्णु हरतोषिये ये परंति नारा भक्ता तेषां शंभु प्रसिद्धते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जी हां श्रोता, उसके पश्चात हम सुनने जा रहे विसर्जन का पाठ। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान। सबसे श्रोता सबसे पहले कथा श्रवण करने के लिए हनुमान जी पधारते हैं और हम लोग उनके नाम लेकर के इस वाणी को इस शुक्रवार के बेला में नवरात्रि के प्रथम दिवस पर शैलपुत्री माता के पूजन के दिन पर रामायण कथा जो आपके बीच में बोले हैं और कहें इसके लिए आज इस ग्रंथ को विराम दे रहे हैं। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान। आप सबके बीच में
कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान रामा राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण रामा। एक घड़ी आदि घड़ी आदो में पुनियाद रामा, तुलसी संगत साधु की करे गोट अबरार रामा। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनो मन लाए रामा, अपने अपने धाम को विदा होए हर शाय रामा। श्रोता सब आश्रम गए और चम गए कैलाश रामा, आए करो तुम वास करहु दंडवत प्रभु सदा, तुम्हें को कर जोड़ रामा। बार बार रघुनाथ कही सुरति कराय मोरे रामा, बार 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 कहो हर्ष देव श्री रंग रामा। पद सरो जयन पायनी अति सदा सद संग रामा। जाहु पावन सुत शयन करो मानस भय विश्राम रामा, दास को सिद्ध भरे सब काज रामा। हर शरणन गुरु शरणन शरणन गौरी गणेश रामा, तुलसीदास प्रभु के शरणा शरण अवध गणेश रामा। लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाए रामा, कथा विसर्जन करत हो की जय शीश नवाए रामा। सद संत को बंदगी भवन को पर नाम रामा, श्रोता जन कर जोड़ के सबको महाग्रंथ की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, गुरु भाई सब संतन की जय। श्रोता अंतिम में क्षमा प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज की पाठ श्रवण करने में जो भी हमसे गलतियां त्रुटियां हुई उसके लिए क्षमा, साथ साथ में भगवान से प्रार्थना कर लें कि ऐसे ही आपका भक्ति हमारे जीवन में बढ़ जाए। भगवान राम, भगवान शिव, भगवान हनुमान जी जिसके मुख्य मुख्य लाभदायक कथाओं को विषय के विषय जो आपके बीच में हम आज प्रस्तुत किए इसका लाभ आपके जीवन में हो। और क्षमा प्रार्थना करते हैं मंत्रों के द्वारा और आशीर्वाद पाते हैं कि हमारे जीवन में इस देश काल परिस्थिति में जो भी चल रही है समय, इस समय में जितने लोग को दुखित है, दुख पीड़ित है और जिसका जीवन में अभी दुख आ गई, जैसे कि ये वायरस चल रही है, वायरस अभी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में दोबारा का तीसरी या चौथी बार फिर से शुरुआत हो गई विक्टोरिया में, अभी आज के दिन में 11 या 13 क्रेसेस हो चुके हैं और भय तो बना ही रहता कि और दूसरे स्टेट में ना गए हों, लेकिन जैसे भी हो आप सभी सुरक्षित रहे, परिवार आपके कोई किसी को दुख ना पड़े, ऐसे भावना से आज का शांति पाठ बोलते हैं। मन में यही प्रार्थना करिए कि भगवान इस मंत्रों का श्रवण करने से ये पूर्ण हमारे परिवार पर स्वयं अपना जीवन में कल्याण करे, हिंदू का आपत्ति जो भी कुछ हो उससे दूर हो, कोई रोग पीड़ित हो उसके रोग दूर हो और भगवान सभी को कल्याण करे, भक्ति जीवन में जागृत करे ताकि हम हमेशा जुड़े रहे भगवान की पूजा आराधना में।
हरी ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनार्मृत्योर्मोक्षीयमामृता ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनार्मृत्योर्मोक्षीयमामृता ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनार्मृत्योर्मोक्षीयमामृता ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गम्या मृत्यो मामृतं गमया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विज्ञाद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा काये न वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रके स्वभाव करोमि यद यद सकलं परस्मे नारायणाय किसमर्पयामि सदा शिवाय किसमर्पयामि हि ओम जयन्ति मंगला काली भद्रकालिणी कपालिणी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते ओम जयन्ति मंगला काली भद्रकालिणी कपालिणी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते जयन्ति मंगला काली भद्रकालिणी कपालिणी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। हम आपको आज के नवरात्रि के विषय में याद करा दें कि आज से एक गुप्त नवरात्रि जिसको कम मनाया जाता है, कम मान्यता दिया जाता है, लेकिन बड़ी महान है, क्योंकि इस नवरात्रि में जितने कुछ भी पूजा पाठ आप करें, आप गुप्त रखें, अपने आप के पास रखिए, किसी से मत कहिए कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरे को सहारा दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं क्या क्या करना चाहिए, लेकिन ये नवरात्रि बड़ी लाभदायक है। और इसमें अगले शनिवार 20 तारीख को संपूर्ण हो रही है, एक एक दिन का अलग अलग गुण जुड़ा होता है, तो आप जरूर इसके लाभ उठाइए, देवी का पाठ करिए, देवी के 108 नाम करिए, देवी के 32 नाम बोलिए, जो भी आपसे बनता है इसे करिए। इसका पूर्ण आपके जीवन में जरूर असर करेंगे, जब जरूरी पड़ेगी, जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी वहाँ देवी मैया आकर के आपके जीवन में कल्याण करेंगे। यही आशा से लेकर के आज का बेला में आपको धन्यवाद देते कि हमारे साथ में आप जुड़े थे पिछले 1.5-2 घंटे के, धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जो जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पर। आज रामायण कथा का एपिसोड 7 पर हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं जुड़ने के लिए, जो जो लोग हमारे प्रोग्राम को शेयर किया उसके लिए। साथ साथ में हमारे स्पॉन्सर फ्लाइफ इज ऑफिजी जो पाकली मार्केट में है दोस्तों, गेट एंट्री 5 से आप वहाँ एंटर कर सकते हैं, सभी तरह की इंडियन ग्रोसरी और साथ साथ में वहाँ पर आपको इंडियन फूड भी मिलेगा। और नंबर स्क्रॉल कर रहा है अगर आपको कैटरिंग कराना है। आने वाले जो सोमवार है पंडित रवि महाराज अपनी गीता पाठ लेकर आएंगे, और ट्यूसडे को पंडित नारायण भाटी हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान। प्लीज डू ट्यून इन, 7 बजे से ये दोनों प्रोग्राम हो रहा है। जाते जाते आप सभी को जय श्री सीताराम और नवरात्रि आप सभी को शुभ में हो। ये गुप्त नवरात्रि आज पहला दिन है और आने वाले जो है अदर डेज आप सभी को बहुत बहुत शुभ में हो। ये महेश ससुर का मारुति स्तोत्रम हम आपके लिए लगाते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा।